नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। हिंदू धर्म पूजन से जुड़ी अनेक परंपराएं हैं, उन्हीं में से एक परंपरा है पूजन के समय माथे पर अधिकतर कुमकुम का तिलक लगाया जाता है और उस पर चावल लगाकर चावल पीछे की तरफ फेंकने की भी परंपरा होती है। तिलक जो है वो माथे पर एक छोटी सी बिंदी के रूप में या तिलक के रूप में लगाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तिलक लगाने से दिमाग में शांति, तरावट और शीतलता बनी रहती है। एक जरूरी बात, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में जय माता दी लिखिए। अगर आपको कोई प्रश्न है तो वह भी कमेंट में पूछ सकते हैं, रिस्पॉन्स जरूर दीजिए क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अब बात करें तिलक की, तो तिलक लगाने से हमारी बौद्धिक शक्ति है वो बढ़ती है तथा जो मानसिक थकावट होती है वो नहीं होती, दिमाग तरोताजा रहता है। साथ ही कुमकुम का तिलक त्वचा के रोगों से भी मुक्ति दिलाता है। चावल लगाने के कारण यह होता है कि चावल को शुद्धता का प्रतीक माना गया है। कुछ चावल के दाने सिर के ऊपर फेंकने का कारण यह होता है कि शास्त्रों के अनुसार चावल को हवन में देवताओं को चढ़ाया जाता है और शुद्ध माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कच्चा चावल सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करने वाला होता है। इसी वजह से पूजन में कुमकुम के तिलक के ऊपर चावल के दाने लगाए जाते हैं। साथ ही चावल को पीछे इसलिए फेंका जाता है ताकि कि हमारे जो आसपास जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाए और पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, हमारे दिमाग में पॉजिटिव सोच उत्पन्न हो और हम पॉजिटिव जीवन जिए, नकारात्मकता से दूर रहें, वो हमें छू भी ना पाए, इसलिए इस तिलक का प्रयोग किया जाता है। तिलक लगाना सात्विकता का भी प्रतीक होता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले तिलक लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तिलक ज्यादातर हल्दी, कुमकुम, चंदन या रोली से लगाया जाता है। तिलक लगाने के बाद अक्षत और चावल लगाने की भी परंपरा होती है, क्योंकि चावल शांति का प्रतीक माना जाता है इसलिए इसको लगाया जाता है। मस्तिष्क में जिस स्थान पर तिलक लगाया जाता है उसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। शरीर शास्त्र के अनुसार यहाँ पीनियल ग्रंथि होती है। तिलक पीनियल ग्रंथि को उत्तेजित बनाए रखता है। ऐसा होने पर मस्तिष्क के अंदर एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कर्मकांड में चावल का बहुत अधिक महत्व होता है। देवी देवताओं को अर्पण करने के साथ इसे जातक के मस्तक पर भी तिलक के ऊपर लगाया जाता है। पूजन में चावल समर्पित किया जाता है। तिलक जहाँ लगाया जाता है उस स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। इस चक्र से हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहाँ शरीर की प्रमुख तीन नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकर मिलती है, इसलिए इसे त्रिवेणी या संगम भी कहा जाता है। ये गुरु स्थान कहलाता है। यहाँ से पूरे शरीर का संचालन होता है। ये हमारी चेतना का मुख्य स्थान भी होता है। इसी को मन का घर भी कहा जाता है। इसी वजह से इस स्थान को शरीर में सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है। ललाट पर नियमित रूप से तिलक लगाने से मस्तक में तरावट आती है। लोग शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। नियमित रूप से तिलक लगाने से सिर दर्द की समस्या में कमी आती है। ये कई तरीके की मानसिक बीमारियों से बचाता है। तिलक के साथ चावल लगाने से लक्ष्मी जी आकर्षित होती हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अवश्य उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।